टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल के तुरंत बाद ही न्यूजीलैंड की टीम भारत आ जाएंगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज खेली जाएंगी उसका पहला मैच 17 नवंबर को जयपुर के मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया पहली बार मैदान पर उतरने जा रही है। देखना होगा कि टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी ये एक चुनौती होगी कि वे पहले मैच में किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, और वो काफी हद तक अब तय भी हो चुका है। इस मामले को लेकर क्या खुलासा हुआ है टीम इंडिया की, ऐसी कौन सी प्लेइंग 11 होने वाली है, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। जानते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में, चूंकि ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया गया है और उप कप्तान केएल राहुल को बनाया गया है। टीम इंडिया के नए कोच राहुल द्रविड़ है। विराट कोहली इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह जैसे नामी और दिग्गज गेंदबाज भी इसमें शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 रहने वाली है वो पूरी तरह से बिल्कुल अलग प्लेइंग 11 रहने वाली है। रोहित शर्मा के सामने बड़ी चुनौतियां होने वाली है और अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी पहले मैच के दरमियान, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ ने एक एक करके सभी खिलाड़ियों से बात करी और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। राहुल द्रविड़ ने क्या कहा, आइए जानते हैं। राहुल द्रविड़ युवाओं से बेहतर संवाद करते हैं और इसके कई उदाहरण हैं। अब जब उन्हें हेड कोच बनाया गया तो उन्हें सभी खिलाड़ियों से निजी तौर पर बातचीत की और उन्हें भरोसा दिया गया कि आगामी सीरीज में उन्हें मौका दिया जाएगा। बीसीसीआई ने शुक्रवार को दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक द्रविड़ ने खिलाड़ियों से 1-on-1 बातचीत की, सभी को बुलाया और निजी तौर पर उनसे बातचीत की। द्रविड़ ने साथ ही कहा कि यदि वे फिट महसूस नहीं कर रहे हैं और अगर आवश्यक हो तो आराम करें। द्रविड़ ने सभी को बातचीत के दौरान उन्हें भारतीय टीम में उनकी जगह मिलने का आश्वासन भी दिया। आइए जानते हैं पहले मैच के दौरान द्रविड़ की क्या रहेगी प्लेइंग 11। जहां तक सलामी बल्लेबाज की बात है तो रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी बतौर ओपनर उतरेंगी। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है रोहित शर्मा और केएल राहुल को मौका दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। विराट कोहली चूंकि सीरीज में आराम कर रहे हैं इसके लिए तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जाना तय हो चुका है। चौथे पायदान पर अब चूंकि श्रेयस अय्यर की वापसी हो चुकी है, टी20 विश्व कप 2021 के आखिरी मैच में इसकी जानकारी लग गई थी, तो यहां पर चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर का खेलना तय है। पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत आ सकते हैं, कहीं न कहीं ईशान किशन ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं। छठे नंबर पर फिनिशर की भूमिका वेंकटेश अय्यर को दिलाई जाने की बात की जा रही है। वेंकटेश अय्यर को एज ए ऑलराउंडर क्रिएट किया जाएगा और खास तौर पर उन्हें फिनिशर की भूमिका दिलाने के लिए अब टीम इंडिया तैयारी कर रही है। इसके बाद अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल का नाम आता है, रविचंद्र अश्विन को प्लेइंग 11 में जगह मिलेंगी। मोहम्मद सिराज और आवेश खान के रूप में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भी शामिल रहने वाले हैं। भुवनेश्वर कुमार भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन यहां पर ज्यादातर दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाने की बात सामने निकल कर आती है। हो ये भी सकता है कि रोहित शर्मा 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों के साथ में जाने का फैसला करें, जो कि टीम इंडिया के हित में भी हो सकता है। ऐसे में अब किन गेंदबाजों का इस्तेमाल करना चाहिए और टीम इंडिया की क्या हो सकती है न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।